पापा आज तो बाबो प्रकट होगो। बाबो छोटा रूप बालक रूप में आवे है और पूरा पर घूमे है ऊपर। वे लोग हैं जो कुछ नहीं करी मेरा चमत्कार देख बाबा को और सीधा गडोलिया में। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नया हो और चैनल ना सब्सक्राइब नहीं करो है तो पहले तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन घंटी है बिन भी दबा लो ताकि जो हमारा नया नया प्यारा प्यारा वीडियो आवें वह थारे तक पहुंच सके। आज मैं पहुँच गई हूँ कटराथल के सारे ही जो दिनालपुरा गाँव आवा है। दिनालपुरा गांव में मैं पहुंची हूं और दिनालपुरा गांव की मैं बात करूं तो अठी मैं किस आई हूं, की लोकेशन पर आई हूं। आज मैं श्याम बाबा का मंदिर में आई हूं। रोटी वालो श्याम बाबो है वो बोली ही बतायो जा है कि भाई एक बेटी ही बा रोटी बनाई ही और रोटी बना की फिर बेके पिताजी बोला कि बेटा रोटी चोर ले तो बोली तो श्याम बाबो है वो आगो। आप मंदिर के अंदर चलांगा, मंदिर का दर्शन ही मैं करवाऊंगी और साथ साथ में ही जो डाका भक्त ही पुजारी जी ही जो सुबह श्याम जा पूजा पाठ करी ही बाऊ आप बातचीत करांगा कि भाई की तरीका हूँ इजा श्याम बाबू है वो आयो हो बाद में बा आज भी रोटी मौजूद है या कोनी है तो भी कब उफन वगैरह लागी है कौन लागी और आज भी श्याम बाबू दिखाई दे है या कोनी दे है। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम। 2004 में बाबू आयो हो कार्तिक शुद्धि बारस ही। कार्तिक शुद्धि बारस ने मतलब बाबा को भोग बनियो शाम के माँ बेटी आपको भोग बना रही ही पुजारण। हाँ एक बेटी है जेनो नाम है अब तो बाद नागालैंड है। अब वे दोनों जने आपको भोग बना रही ही भोग पहलो परांठो सिक्यो बी को ऊपर बाबा की आकृति आ गई। माँ बोली बेटी ने बोली बेटी चूर ला चूरमो बाबा के दगा दिया। बोली मैं चोरू को नहीं कमान बाबो प्रकट हो गो। बोले झूठ क्यों बोला है तो चिट्ठी लगी है। बोले किसी चिट्ठी लगी है बोली मैं तो बाबू आए गो। अब क्या है कि मतलब शाम के 7 बजे मैं काम पर आऊँ जा बोले पापा आज तो बाबो प्रकट हो गो खटी हुई बोले रोटी पर आया देखा जना रसोई कमान परांठा के ऊपर बाबा की आकृति हूबहूब बाबू तो आए गो। ठीक है ये का भोग लगाओ आपने तो मूर्ति दे दी बाबू अपन तो मूर्ति दी आग लो। अब सहाय वहाँ गाँव कान ऐसे ने दर्शन सहमत है अपना आप ही बाबू आया है रोटी पर आया सब दर्शन तो करें। अब गांव राम कहे यार ये तो पूजा करवा है मुझे बजी इष्ट देव है मारो ये कोई पूजा बाजा को नहीं वो मारो इष्ट देव है ना। अब मजा ले बड़ा वह कि भाई ध्यान के बतावा है के डोंग है के नहीं है ये हिसाब सो मन मन में काड़ो। अब 2-4 दिन लगातार वह लोग पिड़िया रिया जा चाल यार वो चार पूजा करवाओ अब विषय का आदमी सागो चाल पिड़िया जार आगे जार नाले रख दियो नाले रखने बाद में वो जाई जी टाइम कमान है। बोले रे भाया तू मेरी पूजा करावा ना आएगो। बाबा मैं कुछ कौन जान मैं अज्ञानी हूँ मन को नहीं जान। बोले जागरण दे स्वामी कर मेरो मंदिर बना। बाबा मेरी पोटी को नहीं जागरना की मैं की कब आपको मंदिर बना सू। बोले मैं बना सू थे बना सो जना मो सेवा मैं कर सू थारी। अब साहब ये लिखियो आएगा जागरना भी लागा स्वामी भी कर दी और इक्की चिणाई चालू करवा। अब चिणाई चालू कराँ क्या कन्ने पैसा भी तो चाहिए पैसा कट्ठे में जावा। 2004 की बात है। अब मैं पेंटर को काम करूँ पेंट का मान कता है पैसा मिल जाए ठीक है भाई जियाँ त्याँ करेगा 2-4 धनिया का पैसा मांगो हजाम लिया लू और मैं काम चालू करावा मैं बैठा गिरावा। आ नीम खुदादी में आ नीम खुदाई में 2.5 फुट चौड़ी और 3 सवा 3 फुट गरी रात नहीं कमा पानी भर दियो पूरा कमा पूरा फुला फुल कर दी नीम ने। सुबह उठ देखा जना मतलब नीम चारों तरफ से कट गई धावा टूट मां पड़गा तो भाई के हिसाब से कटिया जठे नापा बैठे 3 फुट आ को नहीं एक आगे चले गया एक पीछे चले गया जाने कोई मशीन से कटिंग करी है वी हिसाब से 3 फुट अब 3 फुट चौड़ाई देखी जब बाबू तो 3 फुट चावा है। अब अट्टी अट्टी करो माटी काटो और इन गहराई करो 6 फुट तो गहराई करी और 3 फुट चौड़ाई करती और जो भी कमाने कंक्रीट कंक्रीट गिर कर खूटा काटी कर करार भी न पानी की पट्टी फिर दूसरे दिन बुला कारी करना होया अच्छे जो चालू करना है चाहे जो और चालू होगा पूरा एक चिनाई होने के बाद में बराबर की अड़गी मठी बराबर क्या कराऊँ खैर जहाँ त्या कर चिनाई तो होगी। अब बराबर के लिए मो बराबर की सुनकरा ट्रैक्टर जा रखी उसने 1,00,000 रुपया बराबर का मांग लिया मैं 1,00,000 रुपया अरे तो बहुत कल्डा पड़ा 1,00,000 रुपया मैं कटे जाऊँगा मैं भाई बाबा तू करियो मैं ही कर सू सारो काम जहाँ अब बता मैं क्या करूँ।
अब रात में सोना के बाद में बाबा मन सपना में कहे कि भाई जेसीबी दा तू और जेसीबी में काम करवा दे। जेसीबी ने बुलाई जाओ सीकर कमा दे। बोले 750 रुपया तो देशो आना का सीकर सू, 750 देशों जाना का और बराबर का 750 प्रति घंटा का। वो ठीक है भाई आ जा। वो बाबा कह दिया जहाँ बुला लिया अपने के। अब वो दूर सू इन बुला श्या माटी मंगा श्या देरी ज्यादा लागसी। वो भाई अठवी खोद अठवीं गिर आए गिर खूब ऊंचाई दीवार दी की दीवार एक माँ भी रात में पानी छोड़ दियो। अब पानी छोड़ने के बाद में कि बाबो छोटा रूप बालक का रूप में आवे है और पूरा पर घूमे है ऊपर पूरी गिल्ली माटी पर पूरा पग मानते हैं और बाकी का माटी का पग बरेड़ादार रसोई का माने रोटी के जठे ही बठे मान दिए। सुबह चाय बना बन गई जहाँ बोलिए आज वो के फिड़को आएगो ए के ही बोलिए पगलिया सा देखियो तो फिर अठे आया अठिया देखे अठे भी पग जा मुझे मोबाइल बाबो ये है बाबू आपकी जगह देखी है कि पाकी हुई कोनी हुई। अब भी पगला ने सुहा मना ताणी कटोरी के नीचे रख दिया आयो जकानी दर्शन कराया करो भाया खूब करो। अब बाद में भाई माटी का तो ही रोजिना चौक पोचा पाचा लागे जा मोह ठीक को नहीं जा एक तो फोटो खींच ली मकराना का लियार लगा दिया। वह फोटो आज भी मौजूद है आगे पड़ी है। आगे के लिए विचार करिए कि भाई आगे इक्के हिसाब धरों के करा पा जना विचार करना सु पहला मतलब एक कोई गोटड़ा बुखरान है इको कोई ब्राह्मणा को बच्चे है और भूठान रह जहाँ भी को अशोक नाम अशोक शर्मा। अब बिन जार सपना के माने बाबो कह है कि मैं दिनारपरा गांव के माने रोटी पर प्रकट हो हूँ मेरे मंड बन रहे है मैन मंड जिका के माने ईंट बजरी और सीमट तन डालनी है। अब वो विचार करते करते आपका पिताजी ने खियो बोले यहाँ लिया मन तो सपना है बोले तेरे गांव में जाबा की मन में आएगी भाया और क्यों को नहीं बोले गांव जाबा की मन में को नहीं बोले मन सपनों अच्छी खत्म ही आया बोले जाए ना देखा। अब वो जय गांव उठान सो उठे पूछे पूछे जना बोले भाई अठे रोटी पर श्याम बाबा प्रकटे है माँ रसोई का माँ ही देखा जा। अब वो जार रोटी का दर्शन करियार कर रहा जोड़ बोले भाई मन बाबो खम दिए है कि जो एक ऊपर चौंतरा के ऊपर जो मंड बनसी ने वी को सामान मन गेड़ना है। बोले भाई गेड़े जहाँ इकमा सीमट ईंट बजरी वगैरह लार वगैरह दी काम चालू करवा दियो वो बनगो और बनना के बाद वो तैयार हो गो जहाँ भाई अब मूर्ति मार्ति तो बनवाओ। अब वो देलसर गांव के माँ ने श्याम बाबा को मंदिर है कैरू डूमरा का आगे है देलसर बैठे श्याम बाबा को मंदिर है मारो पुराना मेरे बैठे जाता बैठे गयो में जार में भाई मूर्ति खटी बनवाई बोलियो घुरसली गांव बनवाई है नीमका थाना का आगे है घुरसली गांव भी घुरसली गांव में बनवाई है थे भी बोलियो बैठे ही बनाओ मैं भाई मन फोन नंबर दे दो थे बोले फोन नंबर के जा ही आओ वो जा तो छू फिर बात तो कर ली सुहाग लाऊ नंबर ले लिया नंबर देर में बात करी जब बोले वो भी पंडित है बढ़िया कारीगर है अब मैं बात करी जब बात है पंडित जी आपने श्याम बाबा को रोटी पर आया है अभी की मूर्ति बनानी है बोले बना दी श्याम जब वो बताओ माऊँ के बोले ना थाने नहीं आना है माँ आऊँगा खुद ठीक है भाई आ जाओ। और दूसरे दिन वो खुद आई वो रोटी देख रोटी की फोटो ले ली और भी का शादी ने कोई 10-12 साल होगा कोई संतान को नहीं भी गया। अब भी कह रोटी पर फोटो फाटो लेने के बाद में अपना आप भी कहाँ सुया यहाँ क्षमा करे और बाबा के सामने बोलो बाबा मन 12-13 साल होगा शादी कर मेरे कोई संतान को नहीं मन संतान दे दे तो बोले भाई बाबो मन संतान दे दे को तो बोले बाबा का गुम्बज के ऊपर जो को मकराना को जो को लग है कलश वो मन ला दूंगा चले गए आग लो मूर्ति ला दे दी मूर्ति बन गई प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में स्थापित कर दी। अब कह कि मतलब भी कह वो नौ मन बच्चों को भी कह जो 12-13 साल वाला ये जो अपनी मूर्ति गड़ी भी कह संतान होगी जहाँ वो ले वो पूछो जहाँ बोले आ भाई आ गुमज की है जो की लगाओ लगा खटिया हाल गुमज का खटिया मंदिर का ही ठिकाना को नहीं मो हाल तो गुमज तो बहुत दूर की बात है सही बात है। बोले भाई मेरो काम हो गो मेरो बाबा पूर्ण कर दियो मैं लार रख दियो अब लगाओ सही मत लगाओ अभी को काम आयो। अब साहब मतलब बैठे पुजारण जी का माने बाबू बोलो लगो मैं मेरी सेवा कर दूँ और बाहर चले जाऊँ पुजारण जी आपका जो आवाज का भगत ना बता दे
अब कई दिन होगा जना वो अब तो रोटियां कई अड़गी आपने तो अब उदाहरण इन्हीं बाबो बैठा लिए थे जहाँ अपन रोटी बना रखन देसी सोचा क्या कौन है बस हूँ पहले चाहे अमो भाई बाबा देख तो अत अन्याय कर रहे तू तो है जी की मन बिठाने थे पुजारी जी ने बिठा ली वो अब तो चाय पानी की रोटियां की साइड की एक दिन के कुदरती मतलब कोई कटरा थल गांव की कोई लुगाया आएगी सुबह फैलिया आ सुबह फैलिया कोई खानो बना रही ही या कोई नाश्तो कर रही ऐसी कर रही थी मान रसोई में लुगाया का आ रही कि भाई जल्दी से मान बता दे तो मेजार गाय को भैंस को दूध खा लिया मन बोले ली पुजारी जी ने माँ हूँ भेजो दो एक लुगाया बैठी तो मान बता दो ना कौन बोली आएगो माजे से बाहर आ जाए 10-15 मिनट निकल गई कौन आई बोले लुगाया ओजू कुछ नहीं करी मेरा बोली जाओ ना तो मान बुला लिया ओजू क्यों मोजार मो भाई जा तो मो जल्दी से बता पाने क्यों बताना है जो बोले ए मन तो कौन टाइम झाड़ा आ गई हाँ झाड़ा बहुत जल्दी झाड़ा हुआ है अब आयो मो बाबा तो मेरी बेइज्जती आई करवा सीखे आई बेइज्जती करावा जना तो मो ठीक है करवा दे अब मेरे क्यों है 2 मिनट के बाद में मेरे शरीर में जाने को ठंडो पानी गिर एक जी हिसाब से सन सनाट उठ्यो ठंडक सी हुई सागड़ी रुआड़ी खड़ी हुई क्या आयो आने के बाद में बोले आओ ये बैठ बैठ ना बोले लेते रहे बोले ले भैंस कह गाय कह बोले आ गड़बड़ है आ लेन देन है तांती ले जा और बबूती ले जा जा ठीक हो जैसे अभी इन और क्यों बताना उसको भी बता दियो जिस दिन के बाद में मन ये अठे बैठा लागो अब पुजारण जी ने रसोई में राख दी ना मन आपको अठे बैठा दियो जन्नाड़ा को दिन आज को दिन बराबर बाबा की आपने सेवा करा आयना ने आपको बबू जी बताओ जी बता दी जिक्का शुरू का मान आ कह रहे हमने की तो पखंडबाजी है यहाँ है कसा रोटी पर बाबा आहार भई आज चमत्कार देख बाबा को और सीधा गडोलिया हुए जिक्का नुगरा उन नुगरा हागे वह भी सुगरा होगा ठे बाकी गाय भैंस दूध नहीं देता बाबा जी जाड़ो देता ही दूध दे दे अब मत ही दरिंडी लिया लगा और मत ही सुगना होगा जिका का संतान को नहीं ही जिका का बीमार होगा जिका ने 2 बजे भी फोन कर दी ना जाड़ो दे आराम आ जाए बाबा का कोई मेलो मेलो भी भरेगी मेला कार्तिक शुद्धि बारस को भरे फागण वालों भरे और भी जिका हिंज का जन्माष्टमी को भरे आ 2400 है जोत अच्छा अखंड जोत था आ चालू है और रोटी भी जिकी आए बाबू आए होने बाद रोटी भी जुकी त्यों है आज भूफन को नहीं आई के ऊपर बिल्कुल भी भूफन को नहीं ना 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 बिल्कुल आ काली तो जरूर हुई जोत सु होगी आ जोत सु धुआं सु होगी और भी भूफन को नहीं आई और जो ये मुकुट वगैरह ये सारा भक्ता को ही देने के भक्ता को ये तो जो चढ़ावा भी को मुँह बनवा दियो मेरगन के है जो को बाबा का चो चढ़ावा चढ़ो भी को बनवा दियो जो छत्र आया जहाँ छत्र चढ़ा दिया जो मनोकामना वाला छत्र चढ़ावे बाबा मन छोरो दे दी छत्र चढ़ा छू छत्र भी आएगा जहाँ पानी मिला दिया क्यों मिला मिलो 2 किलो चांदी का मान बनवाया पगलिया की बात करूँ तो यह पगलिया की फोटो है या थे देख सको कि ये फोटो खींच की भी टाइम पर और इजा रखेड़ी है साक्षात इजा पगलिया ही और फिर इजा जो मकराना हुई है मकराना का पगला लाया है और सामने थे जहाँ रोटी रोटी देख रहे हो या भाई रोटी है जो अंकल जिया की बेटी है वह रोटी बनाई ही और ये रोटी 2004 में ही रोटी बनाई ही काती सुती बारिश ने यह रोटी बनाई ही भोग खातर और वह रोटी आज भी इजा है एक अंदर ही श्याम बाबू है वो दिखाई दियो हो और ये रोटी का एक चीज मैं बता दूँ वो परांठा टाइप में है या भी तरीका यह बनाई है और आज भी के बात करूँ तो मैं कोई बुफन या कुछ या को लाग रहे हो बाबो या को यहाँ दिखन लाग रहे हो पर ढंगो देखा तो और मैं थोड़ी सी काली सी रोटी जरूर पड़ रही है या बताई जा है जय अंकल जी बताई धूप की वजह या काली है पड़ गई है देख सको हो कि पूरा बहुत आले श्यानी मंदिर एक तरीका अच्छी तरीका सजा रखे बहुत बढ़िया लगे श्याम बाबा का आज दर्शन कराया दर्शन करके थानी की शौक लगे है वो मन कमेंट में बता दियो वीडियो ओशक बितनों शेयर कर दियो और आपने साथ साथ में ही श्याम बाबा को नाम लेके चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो।